वेलकम एवरीबॉडी, आई एम अमित अग्रवाल, वेलकम यू ऑल टू द स्पोकन इंग्लिश क्लास गाइस। स्पोकन इंग्लिश, इट इज अ लैंग्वेज दैट एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक, बट एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं बच्चों? क्योंकि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है वोकैबुलरी का। एंड वुड यू बिलीव टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड वर्ड्स विद द रेन। हम लोग एक सेशन शुरू कर रहे हैं आप लोगों का, और वो सेशन जो है वो कौन सा है, वेदर से रिलेटेड वर्ड्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड वेदर के अंदर देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, देर आर सो मेनी वर्ड्स, क्लाइमेट, स्नो, ब्रीज, नो दैट्स अ फ्रीज एंड वर्जन, देर आर सो मेनी वर्ड्स। सबसे पहले वेदर में हम बात करते हैं किनका, विल टेक सम सीजन, ठीक है? और इन सीजन में जो कि अभी चल रहा है, दैट इज रेनी सीजन वी आर टॉकिंग अबाउट। See guys, what do we have for you in rainy season? क्या क्या नाम हो सकते हैं रेन के? देखो देखो, सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिया है वो क्या लिया है, स्पिटिंग वर्ड आप लोगों को सबसे पहले मिल रहा है। स्पिटिंग, स्पिट वैसे तो मतलब होता है स्पिट का थूकना, आप कहीं पर भी थूकते हो, आपको क्या कहा जाता है, डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर, क्या कहते हैं आपको, डू नॉट स्पिट हिदर थिदर, हिदर थिदर जानते हैं आप लोग, इधर थिधर का मीनिंग होता है इधर उधर, डू नॉट स्पिट हिधर थिधर, तो स्पिट वैसे थूकने के लिए होता है, लेकिन हम रेन के सेंस में इसको कब यूज कर रहे हैं, जब आप देखो इतनी हल्की बारिश हो रही होती है कि आपको केवल फील होती है कि हाँ बारिश हो रही है, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, इट इज स्पिटिंग आउट देयर, राइट, उसको स्पिट कहा जाएगा। और जब उससे थोड़ा सा तेज बारिश होगा तो उसको हम कहेंगे ड्रिजलिंग, जैसे फुहार बोलते हैं हम लोग, इट इज ड्रिजलिंग आउट देयर मॉम, इट इज ड्रिजलिंग, इट इज नॉट रेनिंग, याद रखो देयर इज अ डिफरेंस, स्पिटिंग अलग है, उससे थोड़ा तेज हुआ तो क्या होगा, ड्रिजलिंग उसको कहा जाएगा, ठीक है? उसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, फुहार जिसको हम कहते हैं, शावरिंग जिसको कहा जाता है, इसके आप एक और क्या वर्ड दे सकते हो ड्रिजलिंग को, इट इज शावरिंग देयर, जैसा आप शावर में नहाते हो, दैट इज व्हाट ड्रिजलिंग इज। और जब ड्रिजलिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हम कहां पर आ जाते हैं, हम आ जाते हैं रेन पर, ये जो देख रहे हो आप पीछे, ये दिस इज व्हाट रेन इज, इस तरह से जो तेज होती है उसको आप रेन कहते हो, राइट। और जब कभी बहुत तेज बारिश होती है, इतनी तेज बारिश कि हमको सामने का भी नहीं दिख रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इट्स पोरिंग, मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, इसको आप क्या बोल सकते हो, हैवी रेन कह सकते हो, ठीक है? इट इज पोरिंग आउटसाइड, कैसे सेंटेंस कैसे बोलोगे, इट इज पोरिंग आउटसाइड, या इट इज देयर इज हैवी रेन आउटसाइड, इस तरह से आपको सेंटेंस को यूज करना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा बारिश जब होती है, बारिश होती है तो बादल टकराते हैं, टकरा तो ब्रूम करके आवाज होती है, उस आवाज को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे थंडर, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, बादल का गरजना, दैट इज व्हाट थंडर उसे कहा जाएगा, द थंडरिंग, इट इज थंडरिंग आउट देयर, राइट, क्या हो रहा है, थंडर हो रहा है, थंडर मींस क्या हो गया, बादल का गरजना, राइट। बादल गरजते हैं फिर बिजली भी चमकती है, बिजली चमकने को कहा जाता है लाइटनिंग, बिजली चमकना, बिजली कड़कना, क्या कहेंगे आप इसे, लाइटनिंग वर्ड आप वहां पर यूज करोगे, राइट, समझ गए। कभी कभी बारिश होती है लेकिन बारिश के साथ क्या गिरती है, बर्फ भी गिरती है, जिसको हम ओले बोलते हैं, उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेल, हेल का मतलब होता है ओले, हेलिंग, इट्स हेलिंग देयर, मतलब ओले गिर रहे हैं, हेल फॉल भी कह सकते हैं उसको, जैसे बारिश को रेन फॉल भी कहा जाता है, वैसे ही हेल फॉल भी आप उसको कह सकते हो, तो हेल मतलब हो गया ओले। तो याद रखो, अगर हल्की सी बारिश है जो केवल महसूस की जा रही है, स्पिटिंग, उससे थोड़ी तेज है क्या होगी, जल्दी बताओ, ड्रिजलिंग, उससे थोड़ी तेज है क्या होगी, रेन। और अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार, आगे का भी नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पोरिंग हो जाएगा, बादल गरजना इट्स थंडर, बिजली चमकना इट्स लाइटनिंग, और यदि ओले गिरते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, हेलिंग कहोगे। कभी कभी बारिश इतनी तेज होती है कि बाढ़ आ जाती है, सब जगह पानी फैल जाता है, भर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेलग उसको बोला जाता है। एक कॉमन वर्ड उसके लिए क्या है, फ्लड, आप लोगों ने सुना होगा वर्ड फ्लड, फ्लड का ही सिनोनिम क्या है, डेलग भी उसको कहा जाता है। तो फ्लड वर्ड बदल करके आजकल लोग क्या बोलने लगे हैं, डेलग की यहाँ पर यूज करने लगे, दैट इज डेलग इन मुंबई, राइट। कभी कभी आपने सुना हो जब केदारनाथ के अंदर बहुत तेज बारिश हुई थी, वहां पर इस्तेमाल किया गया था वर्ड बादल फटना, दैट इज वर्ड क्लाउड बर्स्ट, क्या बोलेंगे आप इसे, बादल फटना,
मतलब इतनी तेज बारिश विच इज नॉट कंट्रोलेबल, वो पानी इतना भर जाता है वहां पर जो कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिवेस्टेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है, वो क्या कहलाता है? बादल फटना कहलाता है, जिसको आप क्लाउड बर्स्ट कहोगे। बारिश के साथ तूफान, रेन स्टॉर्म, मतलब आपके बारिश भी हो रही है और बारिश के साथ क्या चल रहा है? तूफान भी चल रहा है। देखो जब हिंदी मूवीज देखते हैं तो उसके अंदर बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत सारा पानी गिराया जाता है और एक माँ जो है वो बच्चे को गोद में लेकर के भटकती रहती है इधर उधर और अचानक मंदिर पर पहुंचती है, तो उस समय जो तूफान चल रहा है दोस्तों वो क्या है? रेन स्टॉर्म कहलाएगा। रेन स्टॉर्म इट्स व्हाट? बारिश का तूफान। और ये सब चीजें जब हो जाती है, जिनकी भी हम बात करें ना, ये सारी चीजें जब हो जाती है तो लास्ट में हमारे पास ये बचता है जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि छोटे बच्चों को तो बड़ा मजा आता है इसके अंदर, बट द पीपल हु वॉक ऑन रोड दे डू नॉट लाइक इट। द वर्ड इज व्हाट? अ पडल। पडल वर्ड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? बारिश होने के बाद जो आपके गड्ढे, गड्ढों में जो पानी भर जाता है, उस गड्ढे, उस पानी भरे हुए गड्ढे को क्या कहते हैं? हम पडल कहते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हो अपने भाई या बहन के साथ और आपको दिखा वहां पर पानी का खड्डा है, आप उसको रोकना चाहते हो, देख पानी भरा हुआ है, क्या बोलोगे? लुक देयर इज अ पडल, देयर इज अ पडल, आप उसको बोलोगे। चलो अब इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज करते हैं। लेट्स सी गाइस, देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, इट्स स्पिटिंग। मतलब स्पिटिंग आप कब यूज करोगे? बहुत हल्की बारिश हो रही है जिसमें आप मुश्किल से महसूस कर सकते हैं, आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस? इट इज spitting, that will be your sentence everybody. So whenever it is spitting out there, आप अंदर जाके घर पर क्या बोलने वाले हो या अपने दोस्तों को क्या बोलने वाले हो? It is not raining, it is spitting. In the same way, अगर spitting से थोड़ी ज्यादा हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे? Drizzling बोलेंगे। Drizzling का मतलब क्या था guys? फुहार होना। तो याद रखना डिफरेंस है, जब बारिश शुरू होती है हल्की सी बारिश हो रही है, दैट ओनली कैन बी फेल्ट इज इट स्पिटिंग, थोड़ा सा तेज हुआ जिसमें हम भीग सकते हैं, इट इज ड्रिजलिंग। तो बूंदाबांदी स्पिटिंग से ज्यादा है, बारिश से कम होती है, उसको आप ऐसा बोलोगे। ठीक है, फिर देखो, इट्स बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे, ऑन एंड ऑफ। ये सेंटेंस मैंने किसके लिए यूज किया? जब पूरे दिन बारिश आती जाती रहती है, थोड़ी देर आई फिर बंद हो गई, फिर आ गई, फिर थोड़ी देर आई फिर बंद हो गई, तब आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे। ठीक है, समझ गए? चालू और बंद का अर्थ है शुरू करना, मतलब इसका मतलब है शुरू करना और रुकना, फिर समय अवधि में फिर से शुरू हो जाना। तो जब बारिश का आना और जाना लगा रहता है तब हम क्या कहें? यार पूरे दिन से बारिश आती जाती रह रही है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे। ऑन एंड ऑफ मतलब चालू होना, बंद होना, मतलब लगातार चल भी रही है बंद हो रही है, चल भी रही है बंद हो रही है, उसको क्या बोलोगे? इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे। फिर देखो, अगर आप कहीं मूसलाधार बारिश में फंस जाते हो, या आप लोगों ने मूसलाधार बारिश के लिए वर्ड पढ़ा था वहां पर पोरिंग, लेकिन हम यहाँ पर एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए, बहुत तेज बारिश हो गई, आप घर पर लेट हो गए, मम्मा ने पूछा भैया कहाँ हो? अरे मैं कहाँ भर गया, मैं तो बहुत तेज बारिश में फंस गया था। तो वी गॉट कॉट इन अ डाउन पोर। वी की जगह आप आई भी लिख सकते हो, वी आई गॉट कॉट इन अ डाउन पोर, मतलब हम एक बहुत मूसलाधार बारिश जो थी उसके अंदर फंस गए थे। तो ऐसी बारिश जो अचानक हो जाए, जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, या थोड़े समय में बहुत अधिक बारिश हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डाउन पोर कहते हैं। आजकल आप देखोगे तो बारिश का मौसम ऐसा ही चल रहा है, 5 मिनट में भी तो धूप निकल रही है और उसके बाद अचानक से बहुत तेज बारिश आएगी और आप देखेंगे 15 मिनट बाद बारिश बंद हो गया। तो आप वहां पर क्या सेंटेंस यूज करोगे? वी गॉट कॉट इन अ डाउन पोर। स्पीक इट विद मी, वी गॉट कॉट इन अ डाउन पोर, हम भारी बारिश में फंस गए थे। ठीक है, अब देखो भारी बारिश के लिए वर्ड क्या देखा था हमने? पोरिंग। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत वर्ड है विच पीपल आर यूजिंग। पोरिंग मतलब हो गया बहुत भारी बारिश का होना, लेकिन आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? इट्स लैशिंग आउटसाइड। और क्या लिख सकते हो? इट्स बकेटिंग डाउन। बकेट मींस बाल्टी। तो इतनी तेज बारिश, किसी ने बाल्टी को उल्टा कर दिया, तो भगवान की जो बाल्टियां हैं उसने क्या कर दी है? उल्टी कर दी है, इसलिए इतनी तेज बारिश हो रही है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? इट्स लैशिंग आउटसाइड बोलो या इट्स बकेटिंग डाउन कहो, समझ गए? पोरिंग के लिए आप इसको दोनों को यूज कर सकते हो, इट्स लैशिंग आउटसाइड या इट्स बकेटिंग डाउन। और जब मैं एक फ्रेज की बात करता हूँ, रेन के लिए फ्रेज होती है क्या? कैट्स एंड डॉग। कैट एंड डॉग का मतलब कुत्ते और बिल्ली नहीं है। कैट एंड डॉग आप कब यूज करेंगे? भारी बारिश होने के लिए।
समझ गए? लेकिन इसी पोरिंग को मैं कैसे बोल रहा हूं, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स किसके लिए यूज होता है? भारी बारिश के लिए आप इसको यूज में लेते हैं। अंडरस्टूड? तो पोरिंग वर्ड आपका भारी बारिश के लिए हो गया। आप और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, बोल सकते हो, इट इज लैशिंग आउटसाइड, इट इज बकेटिंग डाउन, और इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। चलो अब आपको मम्मी एक ही बात कहती है हमेशा, क्या कहती है, बारिश रुकने तक अंदर बैठे रहो। तो लेट्स स्टे इनसाइड अंटिल द रेन लेट्स अप। लेट्स अप का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टॉप। आप ऐसा भी बोल सकते हो, लेट्स स्टे इनसाइड अंटिल द रेन स्टॉप्स, लेकिन हमें अच्छा शब्द चाहिए। अंग्रेजी बदल रही है अपने आप, तो मैंने वहां पर क्या वर्ड यूज कर लिया, लेट्स अप। लेट्स अप मींस क्या होता है, पॉज हो जाना, स्टॉप हो जाना। इस लेट्स अप ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कम से कम धीमी बन जाना। बारिश रुकने का इंतजार करना हो तो ये वाक्य बोलना है आपको, लेट्स स्टे इनसाइड अंटिल द रेन लेट्स अप। ठीक है, आपको मम्मी ने कहा डोंट गो आउटसाइड अंटिल द रेन लेट्स अप, बाहर मत जाना जब तक बारिश रुकना चाहे। डोंट गो आउटसाइड अंटिल द रेन लेट्स अप। आर यू गेटिंग दिस? डू नॉट गो कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, डू नॉट गो आउटसाइड अंटिल द रेन लेट्स अप। Understood? फिर पडल वर्ड को कैसे यूज करेंगे, देखो, there were puddle of muddy water in the road after rain. मतलब बारिश के बाद में गंदे पानी के गड्ढे भर गए सड़क के ऊपर, that is what a puddle is. या आप कह सकते हो look, या watch it, there is a puddle. ठीक है, he was splashing in puddle. हम लोग जंप करते हैं गड्ढे के अंदर, छोटे बच्चे जो होते हैं पानी भरा हुआ जहाँ रहता है वहां पर वो जंप करते हैं। तो ही वॉज होपिंग, ही वॉज जंपिंग इन पडल। आप ऐसा यूज करिए पडल वर्ड को। तो पडल याद रखना, पडल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को रेन याद रहता है लेकिन बारिश जहाँ पानी भर जाता है जिन जगहों पर बारिश का छोटे छोटे खड्डे जो रहते हैं उनको हम याद नहीं रखते कि वो क्या है। ये याद रखना, उनको क्या बोलोगे आप, उनको पडल कहोगे। और जब आप बारिश में भीग जाते हो तो उसको क्या बोलोगे, आई गॉट ड्रेंच्ड बाय द रेन। हिंदी क्या बन गई, मैं बारिश में भीग गया। समझ गए, मैं बारिश में भीग गया, आई गॉट ड्रेंच्ड बाय द रेन। ड्रेंच, आप यहां पर चाहें तो सोक्ड वर्ड को भी लिख सकते हो। ड्रेंच और सोक दोनों का मतलब होता है भीग जाना। पानी से अगर भयंकर हम भीग गए, पानी झर रहा है हमारे कपड़ों से, तब हम क्या कहेंगे, सोक या ड्रेंच कहेंगे। अगर आप हल्के से गीले हैं तो क्या कर देंगे, वेट कर देंगे। बारिश आ जाए के बाद आपको कहा जाए वॉक पे चलते हैं, आपने क्या करना, नहीं बाहर गीला है, गीला है, भीगा हुआ नहीं कह सकते, क्या है, गीला है, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज वेट आउटसाइड। समझ गए, एक होता है डैम्पनेस, हल्का सा गीला। जब हम बारिश में कपड़े सुखाते हैं तो हम जब कपड़ों को वापस लेके आते हैं हमको हाथ लगाने पर लगता है कि अरे तो गीला है, एक्चुअली उसमें डैम्पनेस होती है, उसको क्या बोलेंगे आप, हल्का गीला, दैट इज डैम्प बोला जाता है, हल्का गीलापन। भाई जैसे आप स्कूटर की सीट पर बैठे, आपकी सीट से आपका पैंट्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो वेट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो सूखता रहेगा लेकिन आपको फिर भी फील होता रहेगा, तो वो क्या है, वो डैम्पनेस है उसकी। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू व्हाट, रेन। रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप तो भूल ही गए भाई, रेनबो। यूजुअली हमको देखने को नहीं मिलता है, मगर जब रेन आती है और सन होता है तो हमको क्या मिलता है, रेनबो देखने को मिलता है। सो दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू रेन। लेट्स हैव अ ब्रश अप। सबसे पहले बात करी किसकी, स्पिटिंग, फिर बात किया किसका, ड्रिजलिंग, देन रेन, ओले गिरना हेल कहेंगे, खड्डे जो पानी के भर जाते हैं उनको पडल कहा जाएगा, बारिश का तूफान होगा तो आप क्या बोलेंगे, रेन स्टॉर्म उसको बोलेंगे। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं बादल का फटना तो क्या बोलेंगे, क्लाउड बस्ट बोला जाएगा, बादल गरजना थंडर, बिजली का चमकना लाइटनिंग। Understood everybody? Chalo. So that's all for the day. We will see you in the next weather class. Thank you so much everybody. Learn, enjoy rain.